सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। ना हथियार से मिलती है ना अधिकार से मिलती है, दिलों में जगह हमारे व्यवहार से मिलती है। व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता समझा जाता है। प्रार्थना करने के लिए व्यक्ति का मंदिर में होना आवश्यक नहीं है, ईश्वर का व्यक्ति के मन में होना आवश्यक है। स्वाद जिंदगी के लो दोस्तों, किसी के भरोसे के नहीं। आज का पंचांग 23 सितंबर 2022 दिन शुक्रवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात्रि 2:31 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मघ नामक नक्षत्र रात्रि 3:50 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:20 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:55 से 12:43 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। मांग श्राद्ध पक्ष के शुभ अवसर पर सभी लोगों को उनके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो, यही है हमारी शुभकामना। वृश्चिक राशि 23 सितंबर 2022 दिन शुक्रवार, कोई दुर्घटना आपके किसी रिश्तेदार जैसे भाई या अंकल को प्रभावित कर सकती है और घर पर तनाव पैदा कर सकती है। ब्रेक लें और क्लबों और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लें। इस समय जिन लोगों से आप मिलेंगे वे दिलचस्प नेटवर्किंग संभावनाएं पैदा कर सकते हैं। आज के दिन आप अपने सभी विचाराधीन काम पूरा करेंगे, इसी प्रकार अपने सहकर्मियों का ध्यान आकर्षित करेंगे। आपका भविष्य बहुत रोशन है, अवसर और भाग्य दोनों आपकी ही तरफ है। परिश्रम करें और विजय हासिल करें। बड़े सपने देखने वालों के सभी सपने हमेशा पूरे होते हैं। पिछले कुछ समय से चल रही समस्या का समाधान मिलेगा। घर के किसी सदस्य के विवाह संबंधित उचित रिश्ता आने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। प्रॉपर्टी आदि में भी निवेश करने की योजना बनेगी। अपने सीमित विचारों की वजह से ही प्राप्त हो रहे अवसर का फायदा ठीक से उठा पाना संभव नहीं होगा। मित्रों से प्राप्त हो रही मदद को स्वीकार करें। जरूरत से अधिक विचार करने की वजह से मित्रों के लिए भी नकारात्मक नजरिया बन सकता है। अभी के अपनी मानसिक स्थिति और विचारों में बदलाव करने की कोशिश करें। काम से संबंधित सीमित अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन हर एक अवसर आपके लिए महत्वपूर्ण है, इस बात को समझें। पार्टनर के द्वारा बोली गई बातों पर तुरंत भरोसा ना करें, हर एक बात का ठीक से अवलोकन करना होगा। सावधानियां, इस समय काम काज और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बनाकर रखने में कुछ असुविधा रहेगी। आपके कुछ नजदीकी लोग ही आपके खिलाफ कुछ अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरों की बातों में ना आकर अपनी काबिलियत और कार्य क्षमता पर ही विश्वास रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। रिश्तों की अहमियत आप अच्छी तरह से जानते हैं और इनमें छेड़खानी प्यार को गहरा बनाती है। अपने पार्टनर के प्रति नम्र रहें और इस समय का मजा लें। अपने साथी को यह अवश्य बताएं कि आपके जीवन में उनका क्या महत्व है। कीमती सामान का ध्यान रखें, चोरी की संभावना है। काफी समय से बचा हुआ काम आज आप पूरा कर लेंगे, जिससे आपके सहकर्मी भी आपकी तारीफ करेंगे। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको संतुष्टि मिलेगी। अपने साथी को कुछ समय दें और अपनी भावनाओं को साफ साफ व्यक्त करें। बात करते हैं करियर की। अभी आप कुछ कामों को लेकर सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, किस्मत आपके पक्ष में है, इसीलिए आज हर कार्य में सफलता पाएंगे। अचानक कई घरेलू मुसीबतों का सामना करने के लिए भी यह समय उचित है। कीमती सामान की चोरी या दुर्घटनाओं से बचकर रहें। लंबे समय से अटके हुए कार्य
आज पूरे होने की कगार पर है, जिसे आपको खाली समय मिलेगा। मौके का सही उपयोग करके अपनी करियर में चार चांद लगाएं। आप अपने आसपास के लोगों से ध्यान आकर्षित करें और सब कुछ उस चीज के प्रति समर्पित कर दे जिसे जीवन कहा जाता है। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं रहेगी, परंतु फिर भी स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना जरूरी है। बदन दर्द और बुखार की तकलीफ भी हो सकती है, ध्यान रखें। आज का उपाय, आज अब देवी मंदिर में सिंगार चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।